कोसी और सीमांचल इलाके में मक्के की खेती अधिक पैमानों में की जाती है। अच्छी पैदावार होने से किसानों को भी काफी लाभ मिलता है। अगर बात सहरसा जिले की करें तो इस इलाके में मक्के की खेती अधिक संख्या में किसान करते हैं। वहीं खरीफ मौसम में भी मक्के की खेती किसान कर सकते हैं। खरीफ मौसम में धान से अधिक फायदा मक्के में हो सकती है, लेकिन खरीफ मौसम में मक्के की खेती करने के लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है, कई सावधानियां भी बरतनी होगी। इस खबर में हम आपको बताएंगे खरीफ मौसम में आप कैसे मक्के की खेती कर सकते हैं। ऐसे में किसान किस तरह कम लागत में मक्का की अधिक पैदावार प्राप्त कर सके, इसके लिए समय समय पर कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा सलाह जारी की जाती है। मक्का की खेती के लिए उत्तम जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। जल जमाव वाले खेतों में खरीफ मौसम में मक्के की खेती आप नहीं कर सकते हैं। ऊंचे स्थानों के खेतों पर मक्के की खेती आप कर सकते हैं। सिंचाई क्षेत्रों में मक्का की बुआई मानसून आने के 10-15 दिनों पहले कर देनी चाहिए। वहीं वर्षा आधारित क्षेत्रों में सामान्यतः वर्षा के आने पर ही मक्का की बुआई की जाती है। जानकारी देते हुए जिला कृषि पदाधिकारी ज्ञानचंद्र शर्मा ने बताया कि अगर किसान खरीफ में मक्का की खेती करते हैं तो धान से ज्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। विभाग की ओर से खरीफ में मक्का बीज पर 150 रुपए प्रति किलो अनुदान का लाभ रखा गया है। सर, मक्का को लेकर क्या कहिएगा सर, कब बुआई करनी चाहिए और कैसे अच्छी पैदावार होगी, इसके लिए क्या? मक्का की खेती तीनों मौसम में होती है, खरीफ में, रबी में और गर्मा में भी। अभी खरीफ का मौसम चल रहा है, खरीफ में भी मक्का की खेती होती है और यदि किसान खरीफ में मक्का की खेती करें तो धान से ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विभाग की ओर से भी मक्का बीज पे खरीफ में अनुदान का लाभ दिया जा रहा है, 150 रुपये प्रति किलो अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। और खरीफ में मक्का की खेती में किसानों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऊंची ज़मीन में खेती करें, बरसात के मौसम में जल जमाव होने के कारण मक्का की फसल बर्बाद हो सकती है। ऊंची ज़मीन में करें और बेड बनाकर करें, जैसे आलू में बेड बनाते हैं उसी तरह से बेड बनाकर ऊंचाई में मक्का की खेती करें। और खरीफ में जो वैरायटी की बात है तो उसमें DJKMH और DKC दो सीरीज की वैरायटी से खेती कर सकते हैं। JKMH में JKMH 1701 वैरायटी है, दूसरा JKMH 1510 वैरायटी है और JKMH 502 है, JKMH 175, ये सब वैरायटी है जिससे खेती खरीफ में की जा सकती है। और DKC सीरीज में DKC 1574 है, DKC 9144 है और DKC 8181, ये सब हाइब्रिड मक्का की वैरायटी है जिससे खरीफ मौसम में खेती की जा सकती है। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे अच्छा है? किसानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले कि मक्का के खेत में जल जमाव ना हो। जल जमाव होने पे मक्का की फसल बर्बाद हो जाती है, उत्पादन नहीं हो पाता है। ऊंची ज़मीन पे खेती करें और कीट व्याधियों का नियंत्रण ससमय करें तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।